famous man. दोस्तों, आपने ज़ॉम्बीज मूवीज तो बहुत देखी होंगी। जाहिर सी बात है, आपको अच्छी भी लगी होंगी। ज़्यादातर आपको ज़ॉम्बीज मूवीज की शुरुआत में आपको कारण बता दिया जाता है कि इस कारण से ज़ॉम्बीज फैलने से लोग ज़ॉम्बीज बने। मूवी में सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बताया जाता है और एंड में एक हीरो ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन हमें जो बात देखने को नहीं मिलती वो है कि ज़ॉम्बीज के आने के बाद क्या हालत होते हैं, लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है निशांत, इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसी ज़ॉम्बी वेब सीरीज़ के बारे में जो आपको बताएगी कि ज़ॉम्बीज़ कैसे आते हैं, उनके आने के बाद एक परिवार कैसे जीता है और सब लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलती है। खास बात यह है कि ये दुनिया की एकमात्र ज़ॉम्बी वेब सीरीज़ है जिसके सभी पार्ट्स को ऑफिशियली हिंदी में डब कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फियर दी वॉकिंग डेड वेब सीरीज के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि दी वॉकिंग डेड भी तो एक ज़ॉम्बी वेब सीरीज है, लेकिन दोस्तों उस वेब सीरीज को ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं किया गया है। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं फियर दी वॉकिंग डेड वेब सीरीज के बारे में 15 रोचक तथ्य। आपको इस वेब सीरीज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आपको हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो फिर दोस्तों, करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। कहानी की शुरुआत क्लार्क फैमिली से होती है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और बिफोर एपोकलिप्स का कैसे सामना करता है वो वेब सीरीज में दिखाया गया है। वेब सीरीज में हर एक करेक्टर की अपनी एक कहानी होती है कि उन्होंने इस तबाही के बाद खुद को कैसे बचाया। वेब सीरीज के लीड करेक्टर्स में आपको दिखेंगे मेडिसिन क्लार्क, ट्रेविस मानवा, निकोलस क्लार्क, एलिशिया क्लार्क, एलिजाबेथ रोड्रिगेज, ओफिलिया, विक्टर स्ट्रैंड, मॉर्गन जोन्स, लुसियाना, जून डोरी, जॉन डोरी, चार्ली, ड्वाइट, ग्रेस, क्रिस, वर्जीनिया और एल। फियर दी वॉकिंग डेड एक अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप हॉरर ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को रॉबर्ट क्रिकमैन और डेव एरिक्सन ने बनाया है। मेडिसिन क्लार्क इस सीरीज की सबसे प्रमुख महिला है जो हर परेशानी का डटकर सामना करती है। इस वेब सीरीज को पहले लॉस एंजेलिस में, फिर कैलिफोर्निया में और बाद में फिर मेक्सिको में दर्शाया गया है। इस वेब सीरीज को 11 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जा चुका है। इस वेब सीरीज के पहले सीजन में 6 एपिसोड हैं, दूसरे सीजन में 15 एपिसोड शामिल हैं। 10 अप्रैल 2016 को इस सीरीज का प्रीमियर हुआ। 15 अप्रैल 2016 को AMC ने इसके तीसरे सीजन की घोषणा करी जिसमें 16 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रीमियर 4 जून 2017 को हुआ। अप्रैल 2017 में AMC ने इसके चौथे सीजन की घोषणा करी जिसमें भी 16 एपिसोड्स हैं, इसका प्रीमियर 15 अप्रैल को हुआ। 28 जुलाई 2018 को पांचवें सीजन की घोषणा हुई। दोस्तों, अब इसका 6th सीजन भी रिलीज हो चुका है जिसमें 7 एपिसोड हैं। पांचवें सीजन का सेट और बाकी सीजन के सेट से काफी अलग था। सितंबर 2014 में AMC ने एक पायलट का आदेश दिया जिसे क्रिकमैन और डेव एरिक्सन ने लिखा था। बाद में पायलट एपिसोड ने अपने नाम कई रेटिंग रिकॉर्ड्स किए। इस वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन इतिहास के सबसे हाईएस्ट रेटेड सीजन में से एक है। 23 अगस्त से इस सीरीज का दुनिया भर में प्रसारण किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में इस वेब सीरीज को 10.1 मिलियन लोगों ने देखा। लगभग 10 लाख लोगों का ध्यान इस वेब सीरीज ने अपनी ओर खींचा। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना फियर दी वॉकिंग डेड वेब सीरीज के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप हमारे FB पेज पर भी जरूर विजिट कीजिएगा।
दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे किसी अन्य टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।